Hey guys, welcome back to my channel, The Glam Up Queen. और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक चमत्कारी उपटन. और गाइस ये उपटन बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए. और गाइस शादी का सीजन शुरू होने वाला है तो इसलिए आज मैं आपके साथ ये उपटन शेयर कर रही हूँ. और गाइस शादी के टाइम पे हर लड़का लड़की यही सोचते हैं कि वो सबसे ज्यादा पार्टी में अच्छे नजर आए, जब वो दुल्हन बने तो वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव नजर आए, उनकी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लो करे. तो गाइस इसलिए आज मैं आपके साथ ये उपटन शेयर कर रही हूँ. ये बहुत ही अच्छा है और उसको बनाना भी बहुत ईजी है. तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि इस उपटन को किस तरीके से बनाना है और यूज करना है और अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए कितने ज्यादा असरदार है, तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी. तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके. तो गाइस इस उपटन को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मसूर दाल लूंगी. और गाइस मसूर दाल बहुत ही अच्छी है हमारी स्किन के लिए. इसमें बहुत ही ज्यादा प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके हमारी स्किन को स्मूथ और ग्लोइंग बनाने में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है. गाइस अगर हम मसूर दाल को और भी बहुत सारी हर्बल चीजों के साथ मिक्स करके एक उपटन तैयार करते हैं तो इसकी जो बेनिफिट्स है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए. और गाइस मसूर दाल हर स्किन टाइप वालों के लिए बेनिफिशियल है, कोई भी स्किन टाइप वाले इसे यूज कर सकते हैं. सो गाइस उसके बाद मैं इसमें यूज करूंगी राइस यानी चावल. और गाइस चावल बहुत ही अच्छा है हमारी स्किन को चमकदार बनाने में और ये हमारी स्किन से डेड स्किन को रिमूव करता है. और गाइस चावल में अमीनो एसिड और विटामिन्स होते हैं जो स्किन के लिए एक वाइटनिंग एजेंट का काम करते हैं. और साथ ही साथ गाइस ये हमारी स्किन से गंदगी को भी रिमूव करता है. सो गाइस उसके बाद इस उपटन में मैं यूज करूंगी 4 आलमंड्स यानी बादाम. और गाइस बादाम बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए. सो गाइस इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक क्लीन बोल लूंगी और उसमें 4 चम्मच मसूर दाल ऐड करूंगी. और गाइस मसूर दाल हमारे घर में अवेलेबल होती ही है, ये बहुत ही काम आती है खाने में भी हमारे. तो गाइस 4 चम्मच मैं इसमें मसूर दाल ऐड करूंगी. और गाइस उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूंगी 4 टीस्पून राइस यानी चावल. अगर चावल भी हमारे घर में अवेलेबल होते ही हैं. सो गाइस मैं जो आज आपके साथ ये उपटन शेयर कर रही हूँ इसमें सारी चीजें किचन की हैं, बहुत ही हर्बल हैं हमारी स्किन के लिए. उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 4 बादाम और इसको मैं एक मिक्सी में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी और इसका एक फाइन पाउडर बना लूंगी, ये देखिए इस तरीके से. अगर आप जब इसको पीसेंगे तो थोड़ा ये दरदरा पीसेगा, ये एक 2-in-1 का काम करेगा, जैसे कि ये एक फेस पैक भी और साथ ही साथ स्क्रबर भी है. सो गाइस इसको बनाना किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ. सो गाइस इस उपटन को बनाने के लिए जो हमने अभी सारी चीजें मिक्स करके अच्छे से ग्रेट की है उसका 2 चम्मच हमें इसमें ऐड करना है. और उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून ग्राम फ्लोर यानी बेसन. उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चुटकी टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी. अगर उपटन में हल्दी यूज ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, तो गाइस इसलिए मैंने इसमें 1 चुटकी हल्दी ऐड की है. और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि इसमें सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं. सो गाइस लास्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूंगी 4 टीस्पून रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध. और गाइस कच्चा दूध बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, ये हमारी स्किन से डस्ट को रिमूव करता है, हमारी स्किन को क्लीन करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेगा. सो गाइस 4 चम्मच मैं इसमें कच्चा दूध ऐड करूंगी. अब मैं इस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी और आपको एक पेस्ट तैयार करना है अच्छे से मिक्स करके ताकि आपके जो फेस पर ही अच्छे से अप्लाई हो सके. सो गाइस अब हमारा उपटन एकदम रेडी है. तो गाइस अब इसे कैसे यूज करना है मैं आपको बताती हूँ. सो गाइस यूज करने से पहले आपको इसे किस तरीके से स्टोर करना है, आपको एक बोल लेना है या फिर आप कोई बॉक्स ले सकते हैं, उसमें आप जो भी आपने पाउडर बनाया है उसको आप कंटेनर में ऐड करके रख सकते हैं. जितना आपको चाहिए आप उतने दिन के लिए इसको बनाकर रखें. और जब भी आपको यूज करना हो तो मैंने आपको बताया कि इसका 2 चम्मच लेना है और उसके बाद बाकी चीजें इसमें ऐड करनी है. हमने जो उपटन बनाया था अब इसको आपको अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है. और गाइस अगर आप चाहते हैं तो आप इसे अपने लेग्स पर, हैंड्स पर, अपनी नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं. और गाइस ये 2-in-1 उपटन है, इसमें आप इसको फेस पैक की तरह और एक स्क्रबर की तरह यूज कर सकते हैं. और गाइस इसको अप्लाई करने के बाद आपको इसे सूखने के लिए छोड़ देना है और थोड़ा सूखने के बाद आपको कम से कम 2-3 मिनट के लिए अच्छे से स्क्रबिंग करनी है. सो गाइस देखिए आपको बहुत ही अच्छे से अपने फेस की स्क्रबिंग करनी है. और गाइस ये बहुत ही अच्छा है, 2-in-1 उपटन है तो आपको सिर्फ एज अ फेस पैक, एज अ स्क्रबर यूज कर सकते हैं. ये आपकी स्किन से डेड स्किन को रिमूव करेगा. इस पूरे उपटन में जो भी मैंने इंग्रेडिएंट यूज किए हैं वो बहुत ही हर्बल है, आपकी स्किन को नेचुरल तरीके से ग्लोइंग बनाएंगे.
ऐसा नहीं है कि इस उपटन को जिनकी शादी होने वाले वो यूज कर सकते हैं, कोई भी इस उपटन को यूज कर सकता है, ये बहुत ही अच्छा है। और जिनकी शादी होने वाली अगर वो इसे यूज करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा, शादी के दिन वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आएंगी। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली यूजफुल वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।